इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज गुरु भक्त परिवार। एक बार हमें याद करना कि हमें निर्वाण जाना है, एक बार अपने को मन में विचार करना कि हम इस फर्श से अर्श की यात्रा पर जाना है। हमने संसार की सारी चीजें याद कर रखी हैं, अब विचार करके रखना, संसार के सारे भोगों को याद कर रखा है, संसार की सारी चीजों को हमने स्मरण रखा है, लेकिन निर्वाण जाना वो तो काम महाराजों का है। हाँ, वो तो काम महाराज मोक्ष जाएंगे, हमें क्यों जाना, ख्याल करना। हाँ सही है, भगवान ही मोक्ष जाएंगे, महाराज ही मोक्ष जाएंगे, साधु ही मोक्ष जाएंगे, और ये पीछे वाले ही निर्वाण जाएंगे, नग्गो ही मोख मग्गो। लेकिन एक बात आपसे जरूर कहूंगा, पीछे ना पकड़ पाओ तो पीछे वालों को पकड़ लो, तो भी तुम्हारा मोक्ष हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। इतना विचार करके रखना, पीछे ना पकड़ पाओ तो पीछे पकड़ने वालों को भी पकड़ लिया तो भी कल्याण, और दूसरा ये पीछे हल्की है भारी है, हाँ ये मोंटी बोला है भारी है, क्योंकि उसे पकड़ना नहीं। अब विचार करके रखना, इतना ही सोच लेना, पीछे भारी है और हल्की है, दिखने में तो हल्की है लेकिन उठाने में जाओ ना, दिगंबर मुनि बनना खेल नहीं है बच्चों का, दिगंबर मुनि बनना खेल नहीं है बच्चों का, तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का, विचार करना। दिगंबर जैन मुनि बनना जीवन की सबसे बड़ी व्यवस्था है, ख्याल करके रखना। हम जैन संत बने, हम दिगंबर संत बने, क्यों? उस परमात्मा को पाने के लिए। दिगंबर संत बने उस परमात्मा को पाने के लिए, और आप जैन कुल में आए हो क्यों? उस परमात्मा को पाने के लिए। आप विचार करना, जैन कुल में आए हो केवल परमात्मा को पाने के लिए। हम दिगंबर संतों ने जीवन पर्यंत के लिए वस्त्र छोड़ दिए, और आप अगर चमड़े की बेल्ट भी नहीं छोड़ पा रहे हो, कैसे वो परमात्मा मिलेगा? आप ऊनी वस्त्र भी नहीं छोड़ पा रहे हो, कैसे वो परमात्मा मिलेगा? एक बार चिंतन करना। हम दिगंबर संतों ने जीवन पर्यंत के लिए एक बार भोजन करते हैं, और तुम रात्रि भोजन भी ना छोड़ पाओ तो कैसे तुम्हें परमात्मा मिलेगा? एक बार विचार करना। हम दिगंबर संतों ने, सभी संतों ने, त्यागी वृत्तियों ने जीवन पर्यंत के लिए चप्पल का त्याग कर दिया, और तुम घर से मंदिर तक भी बिना चप्पल के नहीं आ पाओ तो कैसे परमात्मा मिलेगा? विचार कर रहे हैं। हम साधुओं ने जीवन पर्यंत के लिए होटलों का भोजन छोड़ दिया, और तुम अष्टमी चौदस को भी ना छोड़ पाओ, वैसे तो खाना ही नहीं चाहिए, ख्याल करना। हमें इतना ही विचार करके रखना कि हमने कितना प्रयास किया उस निर्वाण को जाने के लिए। छोटी मोटी यात्रा पे जाते हो तो फिर क्या करते हो? सामान पैक करते हो। छोटी मोटी यात्रा पे भी जाओ तो सामान पैक कर लेते हो, ये सामान रखना है, वो सामान रखना है, कहीं भूल ना जाएं, और सारा सामान पैक करके निकलते हो घर से। लेकिन आजकल सारा सामान पैक करके नहीं निकलते हो, मालूम आजकल क्या करके निकलते हो? पहले के लोग घर से निकलते थे सामान पैक करके निकलते थे, आज लोग मोबाइल की बैटरी पैक करके निकलती है। आजकल मोबाइल की बैटरी फुल है कि नहीं है? बाकी का सारी दुनिया कर लो दुनिया, हाँ ऐसा तो जरूर याद है, अंबानी जी ने कह दिया कर लो दुनिया मुट्ठी में, और आजकल मोदी जी लगे हैं कैशलेस कैशलेस कैशलेस, बुद्धि लेस कर देंगे वो तुम्हारे। विचार करके रखना, 2000 का नोट बंद निकाला हो अम्मा अपने घर में जो छुपा छुपा के रखे, कहीं आटे की उसमें रखे होंगे, कहीं पेटी में रखे होंगे, कहीं रखे होंगे, बंद कर दिए मोदी जी ने। अम्मा हैं दो चार नोट 2000 के? अम्मा हैं। अब इच्छा ख्याल करके रखना। अब कहीं कहीं तो लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं, जो सरकार 7 साल नोट नहीं चला पाई वो हमें सरकार हमारी जीवन को, हमारी भारत को कैसे चलाएगी? ख्याल करना।
नोटबंदी खबर जैसे ही मिलती है, जिन जिन के पास होते हैं वो सब ऊपर ऊपर पानी हो जाता है कि क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे। हमें ऐसी महिलाओं को मालूम है हमें कि इनने एक दिन पहले बोला था हमारे पास पैसा ही नहीं है, कुछ नहीं बचा मेरे पास, तुम देते नहीं हो। और जैसे ही 8 बजे सुना मोदी ने बोला नोट बंद, बोले मेरे पास 1000-1000 वाले 10 रखे, मेरे पास 2000 की गड्डी रखी है। वारी तुम्हारी बुद्धि। अब विचार करके रखना हम कहां से कहां तक पहुंच गए। लेकिन ख्याल करो, संसार की यात्राओं तो संसार के साधनों से पूरा कर सकते हो, संसार की यात्राओं में संसार के साधन काम में आ सकते हैं, लेकिन मोक्ष मार्ग की साधना में, मोक्ष मार्ग की यात्रा में संसार के साधक, संसार के साधन साधना में काम में नहीं आएंगे, संसार के साधन तुम्हारी साधना में बाधक बनेंगे। ख्याल करो, साया बनकर सब साथ चलें इसके भरोसे मत रहना, साया बनकर सब साथ चलें इसके भरोसे मत रहना, अपने व्हीकल अपने रहें इसके भरोसे मत रहना, सूर्य के मंदिर सफर पर प्रतिदिन चलना पड़ता है, बैठे बैठे दिन बदलें इसके भरोसे मत रहना, बैठे बैठे दिन बदलें इसके भरोसे, बैठने वाला व्यक्ति कभी मंजिल पे पहुंचा नहीं। ख्याल करो, चलने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल जरूर मंजिल पे पहुंचेगा। 1000 किलोमीटर की दूरियां हों लेकिन चलना शुरू करोगे, 4 कदम भी तुम्हें 1000 किलोमीटर पहुंचा सकते हैं, लेकिन तुम बैठे बैठे सोचते रहो हम यहां जाएंगे हम वहां जाएंगे हम ये करेंगे हम वो करेंगे और कुछ नहीं करो तो अजगर करे ना चाखरी, पक्षी करे ना काम, दास मलूका कह गए, बोलो ना, सबके दाता राम। आलसी आदमी कुछ नहीं करना चाहता, आलसी आदमी तो सोचता है कि सब कुछ तैयार हो जाए। और ये विज्ञान ने हमें इतना आलसी बना दिया, पहले की महिलाएं कपड़े धो लेती थी थपारी से, अब आज क्या हुआ, वॉशिंग मशीन तैयार है, कपड़े डाले, देखते भी नहीं है, कई बार तो नोट धुल जाते हैं तब पता चलता है कि नोट धुल गए, पति देव के जरूरी कागज धुल गए, उस वक्त तो एहसास हो रहा नोट धुल गए, लेकिन रोज उसमें जीव धुल रहे हैं उनका एहसास हुआ, कहीं उसमें छोटे मोटे जीव चले जाएं वो धुल जाएं उनकी परवाह ही नहीं है। अभी हम लोग भगवती आराधना का स्वाध्याय कर रहे थे, कल तिरेज गति के दुख बताए, और ऐसे ऐसे दुख इनको हमें मालूम नहीं, उनका कोई सुनने वाला नहीं है, हमें कोई सर्दी जुखाम खांसी हो जाए तो 4 परवाह करते हैं, उन त्रियंज गति को कुछ हो जाए तो। हमने भी कई बार ऐसे दुखों को भोगा है, ऐसे दुखों को उठाया है, लेकिन अभी ख्याल नहीं आ रहा क्योंकि हम बाधा करके भूल जाते। विचार करना, वॉशिंग मशीन में कपड़ा डालते हो एक बार तो देख लो, चलो जीव जंतु के लिए मत देखो, नोट के लिए तो देख लो, कहीं नोट रखे हो कोई अंदर वाली जेब में। ख्याल करना, वॉशिंग मशीन ने हमारे कपड़े उसमें धुलने लगे, और अभी तो मैं मालूम पड़ा कि वॉशिंग मशीन में धुलते नहीं है, सूख भी जाते हैं। बगल में एक और मशीन लगाई, उसका नाम क्या है, ड्राई, सूख गए, ड्राई हो गए। और आप विचार करना, आप विज्ञान बहुत तरक्की कर रहा है, विज्ञान बहुत तरक्की कर रहा है कि धुलेंगे ही नहीं सूखेंगे नहीं, प्रेस होकर भी आएंगे, बगल में मशीन लगाएगा उसमें कपड़े जाएंगे अपने आप इस्त्री होकर आ जाएंगे। और यही दौर रहा तो विज्ञान बहुत तरक्की करेगा, विज्ञान बहुत तरक्की करेगा, तुम कपड़े पहने पहने मशीन में जाना और धुल धुला कर वापस आ जाना, ऐसी तरक्की विज्ञान करेगा। और विदेशों में हो गई है, विदेशों में आदमी 7 दिन कपड़े ही नहीं बदलता, क्या करता है, बॉडी स्प्रे इधर लगाया इधर लगाया कपड़े पे लगाया और नरकल के बाहर निकल जाता, लोग कहते बड़ी खुशबू आ रही, अंदर तो देखो मामला गड़बड़ है। ख्याल करना, ऊपर के तुम कपड़े नहीं बदल सकते तो अंदर के भाव कैसे बदलोगे। ज्ञान विचार करो, हमें इतना ही सोचने का प्रयास करना है कि बाहर की यात्रा पदार्थ की यात्रा है, बाहर केवल पदार्थ मिलेंगी। मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान पुष्प दंत सागर जी महाराज, जिनकी मेरे पर बड़ी कृपा है,
आज जो कुछ मैं हूँ और जो ये हमारे सब बच्चे हैं, ये सब उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की बदौलत आज ये सारी दौलत मेरे पास है। और वास्तव में उनके ऋण कभी उतर नहीं सकते, उनकी बदौलत आज हमारे जीवन में सब कुछ है। आचार्य भगवान एक ही बात हमेशा कहते हैं, बाहर भागोगे तो पदार्थ मिलेंगे, बाहर भागोगे तो पदार्थ मिलेंगे और अंदर भागोगे तो परमार्थ मिलेगा। और परमार्थ एक बार मिल गया तो ख्याल करके रखना, पदार्थ तो तुम्हारे चरणों में अपने आप पड़े रहेंगे। इतना वैभव तुम्हारे पास है, इतना वैभव तुम्हारे पास है कि तुम्हें अथाह ज्ञान भी नहीं है। ख्याल करना, बाहर भाग भाग कर तुम लखपति बन सकते हो, बाहर भाग भाग कर तुम करोड़पति बन सकते हो, बाहर भाग भाग कर तुम अरबपति खरबपति बन सकते हो। एक बार अंदर लौटने का प्रयास करो, अनंतपति हो जाओ तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। अनंत है तुम्हारे पास, अनंत का ज्ञान है तुम्हारे पास, अनंत का सुख है तुम्हारे पास, लेकिन तुमने उन छोटे छोटे सुखों में इतना आनंद मना लिया, तुम्हारा सुख कैसा आप विचार करना, तुम्हारा सुख कैसा है। छोटे छोटी सी वस्तुओं में आप खुशी हो जाते हो, छोटा सा किसी ने कह दिया तुम बहुत अच्छे हो, आहा हा मजा आ गया, फूल के कुप्पा हो गए, किसी ने हमको अच्छा तो कहा। ख्याल करना, किसी ने कह दिया तुम अच्छे हो तो तुम अच्छे हो गए, और किसी ने कह दिया अकल ना ढकल चले आते मुंह उठा के सुबह सुबह से, खत्म, सारी एनर्जी कहाँ गई, उस सामने वाले व्यक्ति के पास चली गई, उस सामने वाले ने तुम्हारी पूरी पावर खत्म कर दी एक मिनट में। ख्याल करना, तुमने कोई भजन गाया और कह दिया वाह क्या कंठ पाया है, हाँ किसी ने कह दिया वाह क्या कंठ पाया है, कितना सुरीला कंठ है इनका, तुम्हें लगता है आज तो वास्तव में मैंने बहुत बड़ा काम कर लिया, और तुमने बहुत मधुर गाया, बहुत सुंदर गाया, और कह दिया फटा बांसवा लेके चला आता है, गधे जैसा स्वर है, कोई स्वर है इसके कंठ में, जब देखो तब ऐसा करता है। विचार करना, एक मिनट में तुम्हारे भाव बदल जाते हैं। अब मेरी शाम को भैया वृत्ति करने आते हैं ये पूरी टीम बच्चों की, वास्तव में रियल में बहुत मधुर कंठ, रास्ते में भी आते थे, कल भी आए मेरे पास, और कल बोले महाराज ढोलक ले आए, हमने कि ले आओ, मजा तो तब आया राजेश भाई, इधर ढोलक की थाप और इधर मेरे पैरों पे भी थाप, जैसे जैसे ढोलक में छाप पड़ रही है वैसे वैसे मेरे पैरों में भी दम दमा दम दम दमा दम दम दमा दम, मैंने कि मजा आ गया, उधर ढोलक हो रहा है इधर, लेकिन वो ढोलक आवाज दे रही है, और इधर तुम्हारे पैरों जो मेरे पैरों पे तुम्हारे हाथ चल रहे हैं वो तुम्हें पुण्य दे रहे हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारे साधु के समान है। दो ही वक्त हम साधु के पास पहुंच सकते हैं, पहला समय है जब हम आहार देने जाते हैं तब साधु के नजदीक पहुंचते हैं, और दूसरा समय है जब हम साधु की बहिया वृत्ति करने जाते हैं तब हम बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं। उस वक्त साधु की एनर्जी, ख्याल करना, साधु के पास जाओ, भगवान के पास जाओ तो उनके दर्शन बंदन अर्चन करो, पूजन करो, तो अपनी आंखों को उनके अंगूठे पे लगाओ, नमन करो। लेकिन होता क्या है, पहले का आदमी जब नमस्कार करने जाता था तो साष्टांग नमस्कार करता था, साष्टांग नमस्कार, लेकिन अब जमाना बदल गया, साष्टांग कौन जानता है, करते नहीं है। लेकिन अभी अभी रास्ते में मैं आ रहा था बिहार में, मणि धूप मणि क्या है वो ज्ञानचंद जी हैं यहाँ की, धूपगुड़ी मैनागुड़ी से धूपगुड़ी आ गया, माता भंगा में चला गया, विचार करके रखना, वो हाथ ही पकड़ के बैठे रहे, अरे वो बैठे रहे कि महाराज आएंगे माता भंगा आ जाए तब चलेंगे हम, हमने माता भंगा में गया, तो धूपगुड़ी में जब वहां से निकला चार महिलाएं साष्टांग नमस्कार कर रही, साष्टांग, और रोई जाएं। मैंने पूछ लिया ऐसे मन से, क्यों रो रहे हो,
बाबा जी आपका रूप देख के मुझे भगवान की याद आ गई है, और आपका रूप देख के मुझे लग रहा है कि मैं आपके चरणों में रो लूं तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे, इसलिए मेरे हमारे आंखों में आंसू आ गए कि आप ऐसे पंचम काल में जहां पर लोग सब कुछ सुविधाओं में रहते हैं और वहां आप ऐसे नग्न रूप में जा रहे हो। आप विचार करना वो आसामी बंगाली लोग इस प्रकार की भावना रखे, मुझे आश्चर्य लगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप अपने जीवन में सोचना, पहले के लोग साष्टांग नमस्कार करते थे, आज तुम झुक नहीं पाते हो, साष्टांग नमस्कार नहीं कर पाते हो। मंदिर में भी जाओगे तो खड़े ही खड़े, साष्टांग के बाद पंचांग नमस्कार आ गया। पंचांग नमस्कार का मतलब क्या? दो घुटनों को घुमाए, दो घुटनों को नीचे किया और दो हाथों को सर जमीन पे लगाया और माथे को जमीन पे लगाया। माथा लगता जमीन पे? बहुत मुश्किल है महाराज, कमर दर्द इतनी हो गई है कि अब झुकती नहीं। पंचांग नमस्कार भी बंद, अब कितने अंक रह गए? चार अंक का। माथा जमीन पे लगी नहीं रहा है आपका, कैसे ऊर्जा मिलेगी, कैसे जमीन से जुड़ोगी? चार अंक का नमस्कार रह गया, बस घुटने झुकाए, हाथ झुकाए, बैठ गए तो चार अंक का, नहीं तो खड़े खड़े तीन ही अंक का। घुटने तो झुकाए नहीं, खड़े खड़े नमोस्तु महाराज, नेताओं की तरह है ना। और आप विचार करना, मैंने एक से पूछा, महाराज झुकने में बड़ा गड़बड़ मामला है। मैंने क्यों? महाराज अब हमारे कपड़े हैं ना, पेंट जींस का है ना, झुके तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। आप विचार करना, घर से निकला सूट पहनकर टीप टॉप और खूब तनकर, घर से निकला सूट पहनकर टीप टॉप और खूब तनकर, नमन की वेला जब आई तो प्रभु से बोला यूं हंसकर, ओ प्रभु माय गॉड, सेवा में स्टूडेंट झुक नहीं सकता क्योंकि चुस्त है मेरी पैंट, तन कपड़ों से जाम है इसलिए प्रभु अटेंशन में प्रणाम है, इसलिए प्रभु अटेंशन में प्रणाम है। विचार करना, अब जब अटेंशन में प्रणाम करोगे तो तुमको कितनी टेंशन होगी। हाँ? अब झुक नहीं, और मुझे तो आश्चर्य तब लगता है, चलो जेंट्स पहने पुरुष पहने जींस की पहने तो चल भी जाए, समझ गए क्या? ये अम्माओं को देखो, अम्मा चलो अम्मा तो यहाँ नहीं पहनती होंगी, अम्मा अगर कहीं शिमला जाए घूमने, दार्जिलिंग जाए घूमने, अम्माओं से मतलब समझना, बहू हो जाए ना, तो वहां जाके ऐसी फैशन। हम जब पहली बार शिमला गए आचार्य के साथ तो 1998-99 में, तो बहुत से लोग दर्शन करने आए, बहुत से लोग दर्शन करने आए, दर्शन करे, आहार दिए, उसके बाद दोपहर में आचार्य ने वहाँ एक हिल है वहाँ जा रहे थे, जा रहे रास्ते में बड़े लोग नए नए मिले। आचार्य ने कहा यार ये तो सुबह दर्शन करने आए थे, अभी तो पहचानने में नहीं आ रहे, ऐसा काला वाला गूगल लगाया, काला चश्मा पेंट और पता नहीं क्या क्या पहन के अम्मा निकल गई महिलाएं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज गुरु भक्त परिवार।